दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए किचन की कुछ ऐसी टिप्स लेकर आए हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली टिप मूंग दाल की टिप है। कभी कभी हम भूल जाते हैं दाल को भिगोना, और जब आपके पास कभी टाइम ना हो और उसे जल्दी पकाना हो तो आप दाल में 2 चम्मच घी डालें तो ये दाल आपकी जल्दी पककर तैयार हो जाती है। हमारी जो दूसरी टिप है वो पूरी लवर्स के लिए है। पूरी सबको बहुत पसंद है, लेकिन सबको पता है ये तेल बहुत पीती हैं, तो इसका हम एक तोड़ लेकर आए हैं। तो तोड़ ये है कि अगर आप गरम तेल में चुटकी भर जीरा डाल देते हैं तो आपकी जो पूड़ियाँ हैं वो कम तेल पिएंगी। तो बिंदास होकर पूड़ी खाइए। हमारी जो अगली टिप है वो बहुत ही यूज़फुल टिप है, और वो टिप ये है, जब भी आप कभी घी निकालें तो आप मलाई में थोड़ी सी छाछ डालें और फिर उसका मक्खन निकालें। पहला फ़ायदा ये है कि मक्खन बहुत ही जल्दी निकल कर आ जाता है, और दूसरा ये कि जब आप उस मक्खन से घी निकालते हैं तो घी बिल्कुल भी पैन में स्टिक नहीं होता और बहुत जल्दी निकल कर आ जाता है। बारिश के मौसम में अक्सर हमारी चीज़ें गीली हो जाती हैं, तो एक चीज़ का उपाय मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ, और वो ये है कि आप नमक में थोड़ी सी काली सरसों डालें तो आपका जो नमक है वो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। अक्सर हमारे वाइट कपड़ों पे दाग लग जाता है और हम उसे निकालते निकालते थक जाते हैं, तो इस टिप को आप याद रखिए कि जब भी आपके कभी कपड़ों पर दाग लगे तो सबसे पहले उसे कच्चे दूध से धोइए। कच्चे दूध से वो दाग बहुत ही जल्दी निकल जाता है। हमने अक्सर देखा है चावल में काले कीट पड़ जाते हैं, तो उन्हें भगाने के लिए आप चावलों को धूप में रखें और जो सूखी लाल मिर्च होती है उसमें डालकर रखें। पहली बात, आपके चावल साफ हो जाएंगे, कीट दूर हो जाएंगे और वो दोबारा भी फिर कभी नहीं आएंगे। जब कभी आप बाज़ार से मक्का लें और वो मक्का अंदर से बहुत ही हार्ड हो, तो आप उसे रात को दूध में भिगो के रखें। अगले दिन जब आप देखेंगे तो मक्का आपका बहुत ही सॉफ्ट हो चुका होगा। अक्सर हम मलाई से घी निकालना भूल जाते हैं, हमारी जो मलाई है वो रखे रखे पीली पड़ जाती है। इसका एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपके लिए लाई हूँ। आप जब भी मलाई निकालें तो उसमें 2 चम्मच छाछ या आधा चम्मच दही का डालें। इससे आपकी मलाई जो है वो हमेशा फ्रेश रहेगी और उसमें कभी भी पीलापन नहीं आएगा। सर्दियों के मौसम में चींटियों को चीनी से दूर रखने के लिए आप उसमें लौंग डाल के रखें, तो लौंग की खुशबू से चींटियाँ जो हैं वो चीनी में नहीं आती। आपको कभी चावल की पहचान करनी हो कि चावल आपका अच्छा है या नहीं, तो उसके लिए आप थोड़े से चावल हाथ में लीजिए और उसमें 2-3 बूंदे पानी की लेकर उसे रगड़िए। अगर उन चावलों में से खुशबू आए तो इसका मतलब आपके चावल बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। आपको अगर ये टिप्स अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।